बापू सीरियल जो कि सबका फेवरेट सीरियल है, और उसके स्टार कास्ट यानी कि बहुत ही प्यारे प्यारे दो कलाकार हमारे साथ हैं, प्रविश मिश्रा और औरा भटनागर। आप दोनों का इंडिया टीवी पर स्वागत है। प्रविश, बहुत सारी बातें करनी, लेकिन सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू यू। व्हाट अ डे टू इंटरेक्ट विद यू, इट्स योर बर्थडे। थैंक यू अब मैं जाऊंगी औरा के पास। औरा, यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी, बहुत प्यारे लग रहे हो आप। औरा, कैन आई सी यू? ओके, आप ये बताओ, वेलकम, आप ये बताओ कि आप इतना भारी भरकम जो गेटअप लेते हो बेटा, आप मेकअप कर रहे हो, आपकी ज्वेलरी साड़ी कितने प्यारे लग रहे हो, कितनी देर हो जाती है। मेरा मेकअप नहीं है, बट हाँ ज्वेलरीज है, बट मेरा क्लिप ऑन्स एंड ये सब है, तो मैं मैनेज कर लेती हूँ। वैसे तो मुझे बहुत पसंद है गहने। बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो बैरिस्टर बाबू बोंदिता दोनों हमारे साथ हैं। औरा, बोंदिता विश करो प्रविश को। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक मे गॉड ब्लेस यू। जल्दी से आ थैंक जाओ, यू मैं आपकी टिकलिंग करूंगी। ओके okay, तो आप मुझे आपके शो के ट्रैक के बारे में बताइए। ऐसा सुनने में आ रहा है कि बहुत बड़े बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स अवेटेड हैं, तो व्हाट्स गोइंग ऑन? डू यू वांट टू नो लॉट मोर ऑन दैट? आज महा एपिसोड आने वाला है, तो जरूर देखिए। और काफी सारे सीक्रेट्स रिवील होंगे, तो जरूर देखिएगा। छोटा सा सीक्रेट बता दो। थोड़ा सा नहीं बता सकती, थोड़ा सा वेट कीजिए, आज ही तो आने वाला है 9 o'clock, तो थोड़ा सा संभल। देखो बच्चे कितने स्मार्ट है, बोंदिता देखो कितनी स्मार्ट है। मैंने इतने प्यार से पूछा लेकिन नहीं बताया। अब आप विश्ट एंड बोंदिता, आप दोनों के शो में ना इतना कुछ सीखने को मिलता है। एक पूरी स्टोरी तो चल रही है साथ साथ, पैरेलली यहाँ पर सोशल कॉज को भी, लोगों को एनलाइटन करने के लिए भी बहुत सारे टॉपिक्स को हाईलाइट किया जाता है, जो कि मोस्ट ऑफ द शोज में मैं मिस करती हूँ। तो ये कौन है जो इसके पीछे रहता है, जो ये सोचता है ये डालना है? आई एम 100% श्योर स्क्रिप्ट राइटर का ये पूरा दिमाग है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनके बिना नहीं हो सकता है, बट स्टिल कोई ना कोई और इनपुट्स देता है। मेरे जो सर हैं, डायरेक्टर सर, थोड़े से इनपुट्स डाल देते हैं, जो जैसे लाइंस होती हैं, तो लाइंस में अगर थोड़ा सा लाइक ट्विस्ट एंड टर्न्स, जैसे कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो फिर सर डाल देते हैं। एंड शशि मैम भी एंड सुमित सर भी दोनों हमें भेजते हैं कि ये फीडबैक है कि ये करना है, कि ये इनपुट डालना है। मैं ओके वेरी गुड। आप कितने साल की हो? और आप टेन टेन, रनिंग, टेन रनिंग। और आपको इतना मतलब आप संभल के बोलते हो, आपको ये भी पता है और कि कितना बताना है, कितना छुपाना है, किसकी तारीफ करनी है ना? मैं सब देख रही हूँ आपको। बहुत प्यारे लग रहे हो आप। अच्छा, ये जो क्लिप-ऑन आपने डाले हैं और कानों में, ये डाल के दर्द होता है ना कान? क्योंकि मैं भी एंकर हूं, मैं पहनती हूँ, तो मेरे कानों में पेन शुरू हो जाता है 2 घंटे के बाद। आपके साथ ऐसा होता है? ऐसे मेरा कट होता है तो फिर मैं उतार कर बैठ जाती हूँ, क्योंकि दर्द तो होता ही है, बट मैं उतार कर ऐसे बैठ जाती हूँ। ओके और आपके दिमाग में आज के दिन के लिए कोई गाना आ रहा है प्रवीण? क्योंकि एक गुरु और शिष्य यानी कि टीचर और स्टूडेंट वाला भी एक एंगल आ जाता है। सो कैन यू सिंग एनी सॉन्ग फॉर अस दैट आपको लग रहा है जो आज के दिन के लिए ऐप है, अप्रोप्रिएट है? मुझे कोई गाना दिमाग में आ नहीं रहा है। बर्थडे जो बॉय कुछ आइडिया दे दे तो इजी हो जाएगा। ओ,
एनी सॉन्ग, जरूरी नहीं है जेल करे आज के दिन के साथ, दिल खुश है तो खुश है, तो यू कैन सिंग एनीथिंग। नहीं आता। आता है आपको, आपको सबसे ज्यादा आपको ही आता है। मुझे जोक करना आता है। थैंक्स ओके चलो जोक सुना दो फिर, ठीक है, आई वांट टू हियर योर जोक। आते हैं, गाना नहीं अच्छा आता। तो कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है जो आप डेडिकेट करना चाहती हो प्रविश के लिए, आप बैरिस्टर बाबू के लिए? कुछ नहीं आ रहा। ओके अच्छा ये बताओ, शूटिंग में कितनी अभी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो क्योंकि कोरोना चल रहा है? आई नो सबके सेट पर बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं क्योंकि हेल्थ यानी कि हम सबकी सेफ्टी सबसे आगे है, तो आप कैसे ख्याल रखती हो आप? हमारे सेट पर जो हमारी जो ड्रेपिंग करने आती हैं, साड़ी पहनाने आती हैं एंड वो हेयर बनाने आती हैं, तो पहले वो पीपीई किट पहन कर आती हैं, देन फिर वो सैनिटाइज करती हैं जिससे कि बाल बना सके। एंड क्योंकि अगर हम ग्लव्स पहन कर फिर बनाएंगे तो फिसल जाएंगे हाथों से, बट साड़ी साड़ी ग्लव से पहनाई जाती है कंपलसरी, एंड फेशियल ओके और एंड सेट पर मुझे बुलाया जाता है सैनिटाइजर गर्ल, अच्छा क्योंकि मैं सेट पर कि अपना स्प्रे लेकर आती हूँ छोटू सा, एंड फिर सब पूरी यूनिट को देती हूँ। मैं कहती हूँ इधर आओ जल्दी आओ, जिसको भी सैनिटाइजर लेना है। तो वो कहते हैं इतने सारे सैनिटाइजर लगाए हैं, इतनी छोटी सी तो स्प्रे बॉटल है तुम्हारी जैसी। और ये जब सारे सेट पर वो स्टैंड करके लगाए हैं हमने सैनिटाइजर, उससे तो हम भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा बट मुझे मजा आता है, मैंने कहा कि मुझे मजा आता है। ओके मेरे पापा भी टीचर हैं एंड पापा के ग्रैंडफादर भी टीचर थे, तो मैं पापा से बहुत सारी चीजें सीख लेती हूँ, जैसे जनरल नॉलेज हो गई, साइंस हो गई, दैट्स ट्रू कि, और योगा भी सीख लेती हूँ। दैट्स ट्रू कि अभी जो हमारे टीचर्स हैं वो अभी गैजेट्स चलाना सीखे नहीं है, तो वो बहुत मेहनत से गैजेट्स चलाते हैं, एंड फिर उनको लाइक कैमरा ऑफ एंड म्यूट ये सब टेस्ट कैसे लेना है, लेक्चर कैसे लेना है, तो उनके लिए बहुत बहुत बड़ी बात हुई कि वो अभी भी हमें सिखा रहे हैं ऑनलाइन। एंड ओके जैसे सेट पर होती हूँ मैं, तो मैं प्रवेश भैया से सीख लेती हूँ कि इस वाले क्या करना है मुझे, मल्टीप्लाई में क्या करना है, डिवीजन में क्या करना है, सब्ट्रैक्शन में, तो मैं सीख लेती हूँ प्रवेश भैया से। स्कूल को मिस कर रही हो आप? क्योंकि ऑनलाइन का मजा इतना नहीं है जितना स्कूल जाने में मजा आता है। और स्कूल में तो बहुत मजा आता था, हमारे जैसे ब्रेक होता था हम लोग भागते थे एंड फिर खेलते थे, क्योंकि जब से मैं मुंबई आई हूँ तब से मैंने खेला नहीं है 25 दिन से, क्योंकि और सेट पर तो मैं थोड़ा सा खेल लेती हूँ, उसके बाद सीन करती हूँ, तो मुझे मजा आता है। सेट पे क्या क्या खेलते हो, कौन कौन सी गेम्स खेलते हो? सुदामिनी दीदी के साथ मैं पकड़म पकड़ाई और छुपन छुपाई खेल नहीं पाती हूँ, क्योंकि वो फिर छुपने की जगह, अगर मैं छुप गई तो फिर अगर मैं छुप गई तो फिर सारा सामान नहीं टूट जाएगा क्योंकि जगह ही नहीं है। क्योंकि और प्रवेश भैया के साथ लंगड़ी टांग, और फिर कभी कभी जैसे फोन पे 2 प्लेयर गेम्स हो गए, देन अगर लूडो हो गया, जैसे ऑनलाइन लूडो खेलते थे वो, तो ये सब खेलती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। हम मेरे को आपकी ज्वेलरी दिखाओ, आप पूरा हाथ ऐसे करके कितना पहना हुआ है आपने हाथ में? ओहो ये है वाला, ये ये वाला, ये है शाखा एंड ये है गले पोला। पोला का मतलब थाली। में क्या क्या है? ये चोकर सेट है, और ये वाला एक
वो मतलब कि नेकलेस है, देन एक ये बड़ा, एंड देन फिर इयररिंग्स ऐसे। मतलब वो लड़कियों वाली सारी नॉलेज आपको 10 साल की एज में हो गई है और आप पहन के प्रैक्टिकली उसे एंजॉय कर रही हैं। बड़ा मजा आ रहा है आपसे बात करके। आप अपने व्यूअर्स से, इंडिया टीवी के व्यूअर्स से, आपके फैन से क्या कहना चाहेंगे आपके शो को लेकर? आज महा एपिसोड है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया उसे तो आप बंधे नहीं रहेंगे। अगर आप और आज बहुत सारी सीक्रेट रिवील्स होने वाले हैं, तो जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके आंसर आपको मिल जाएंगे। एंड देन आप अगर आपने महा एपिसोड देखा तो मंडे जो आएगा आप उससे जुड़े रहेंगे। ओके और या कंप्लीट एंड टीचर्स हमारा अपने एफर्ट से वो हमें हमारा फ्यूचर बना दें। उसके करेक्ट। वेल सेड। लिए फिर मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ। बहुत बहुत मजा आया और आपसे बात करके। आप बहुत क्यूट हैं और आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और मैं शो जरूर देखूंगी एंड सब देखेंगे। थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू सर, बाय। ओके, थैंक यू ऑरा, थैंक यू प्रवेश, सी यू, बाय। तो वेलकम। हाँ।